एवरीवन, एक बार नई वीडियो में मैं कृष्ण तिवारी आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। और आज एक बार फिर आपको ऑटो यूनिक पे एक नई चीज दिखाने लेके आया हूं। हमारे सामने जैसे आप देख रहे हो यहां पे नेक्सोन खड़ी है और नेक्सोन का बेस मॉडल है ये। बेस मॉडल में जितना काम होता है वो सारा काम भैया ने हमारे पास कराया है आज। और क्या प्राइसिंग आई है, किस क्वालिटी में काम हुआ है, क्या चीजें हुई है, सब चीजें दिखाता हूँ। बहुत बड़ी वीडियो नहीं होगी, लॉन्ग वीडियो नहीं होगी, पर काम आपको सारा दिखाऊंगा। किस तरीके से आप अपनी गाड़ी में काम करा सकते हो इससे ये भी पता चलेगा, प्लस इस हिसाब से आपको ये भी पता चलेगा कि नेक्सोन में आपको क्या क्या चीजें देती है बेस मॉडल में, जो आप टॉप वेरिएंट के लिए अगर जाना चाह रहे हैं तो बेस मॉडल क्यों ले सकते हो, क्या वैल्यू फॉर मनी गाड़ी है या नहीं है, ये सारी चीज पता चलेगा। प्लस कितने में भी हमने गाड़ी ली है, प्लस क्या क्या चीजें भी हमने कुछ चीजें कंपनी से लगवाया है वो वैल्यू फॉर मनी थी या नहीं है, हमारे पास जो काम हुआ है वो वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो की तरफ, देखते हैं क्या क्या काम हुआ है। जैसे सबसे पहले आप फ्रंट की तरफ यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे फॉग लाइट लगी है और फॉग लाइट भी आपको यहाँ पे प्रोजेक्टर वाले लगे हैं। इसके अंदर अभी भी हमने हैलोजन रखा है पूरा का पूरा, हैलोजन में भी रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। एक बार फॉग लाइट ऑन कर देना, ये देखो भाई, तो ये फॉग लाइट का रिस्पॉन्स है। अभी दिन का टाइम है उसके बाद भी, और सिर्फ इसमें हैलोजन डाली गई है, येलो वाली जो हैलोजन आती है वो डाली गई है। और इसका कोई बहुत ज्यादा प्राइस नहीं है, 20-30 रुपए की हैलोजन आती है, 55 वाट की वो है, मिंडा कंपनी की। इसके बाद मैं नीचे की तरफ दिखाऊं तो पूरा इसका लुक जो आया है, इतनी बल्कि गाड़ी हुई है वो इसके डिफ्यूजर की वजह से हुई है। ये जो पूरा आप पोर्शन देख रहे हो ये पूरा डिफ्यूजर से है, और ग्राउंड क्लीयरेंस की बात करें तो डिफ्यूजर से भी ना बिल्कुल परफेक्ट है, ऐसा नहीं है कि कोई दिक्कत है। ये देखो कितना बढ़िया लग रहा है यहाँ से। इसके बाद इसके अगर ऊपर की बात करो तो बेस मॉडल से ही कंपनी आपको हेडलाइट में प्रोजेक्टर देना स्टार्ट कर देती है, तो ये एक अच्छी चीज़ है नेक्सोन की। प्लस नेक्सोन के बारे में बताऊँ, यहाँ पे आपको पूरा बैचिंग लगी है जो क्रोम में लगी है, और ये देखो इतना बढ़िया परफेक्ट तरीके से पूरा यहाँ पे बैचिंग लग गई है आपकी, ठीक है। इसका साइड में अगर लेके आऊँ तो साइड में आपको इसमें कंपनी कुछ नहीं देती, पर 16 इंच के आपको यहाँ पे रिम देती है। और इसका अगर मैं टायर साइज की बात करूँ तो यहाँ पे है, आप देख पाओगे यहाँ पे, ये देखो 195/60 16 इंची के आपको टायर देती है, रिम देती है, और 16 इंची के ही आपको इसमें टायर देखने को मिल जाते हैं। तो इसमें हमने व्हील कवर लगा दिए हॉट डॉग के पूरा, और यहाँ पे आप देख रहे हो पूरा ये ऐसे हैं जैसे अलॉय व्हील लग रहे हैं ना, ये परफेक्ट आपको एक चीज़ यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। इसके बाद साइड बिडिंग इसमें लगी है, जो प्रॉपर पूरी साइड बिडिंग आती है वो प्रॉपर हमने इसमें साइड बिडिंग लगाई है। नीचे की तरफ आप देखोगे, नीचे आपको यहाँ पे डोर गार्ड एक देखने को मिलेगा आईपॉक का, और ये क्या होता है सेफ्टी पर्पज को ध्यान में रख के पूरा लगाया जाता है परफेक्ट तरीके से पूरा का पूरा। यहाँ पे अगेन डोर गार्ड प्लस हैंडल क्रोम, जो गेलियो कंपनी की आपको हैंडल क्रोम यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और परफेक्ट तरीके से पूरा हैंडल क्रोम है। इसकी आपको 2 साल की पूरी वारंटी मिल जाती है ब्लैक होने की, ये रीज़न ये कंपनी का, इसलिए ना कहीं से भी कोई गैप नहीं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं, तो ये परफेक्ट है। इसका इसमें पूरे ब्लैक जो स्मोक में इसका डोर वाइजर आता है वो डोर वाइजर इसमें लगा है पूरा ब्लैक वाला, और ये भी आप देखोगे यहाँ पे फॉर नेक्सोन है, ये देखो फॉर नेक्सोन डोर वाइजर, तो ये एक बेस्ट चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। अगर मैं ऊपर की तरफ आपको आऊँ तो यहाँ पे रूफ रेल लगी है, जैसे कंपनी आपको टॉप मॉडल में देती है सेम वही चीज़ आप देख पा रहे हो यहाँ पे। ये भी एक बार ये देखो हिला के दिखा देता हूँ परफेक्ट तरीके से, परफेक्ट तरीके से यहाँ पे देखो ये पूरा का पूरा। इसके बाद अगर मैं ऊपर की बात करूँ, यहाँ एंटीना देखने को मिल जाएगा जो ब्लैक कलर में है और पूरा परफेक्ट तरीके से पूरा लगा है अपनी जगह पे, अपनी पूरे शेप में हर लगाया शार्फिन एंटीना। इसके बाद अगर मैं पीछे की तरफ की बात करूँ तो पीछे की तरफ अगेन डिफ्यूज़र आपको देखने को मिलेगा, और डिफ्यूज़र भी बिल्कुल बढ़िया लुक में पूरा परफेक्ट तरीके से पूरा लगा है। इसमें भी पूरे यहाँ पे ना इसके अंदर नट बोल्ट टाइट होते हैं, तो ये शेप इसका पूरा बंद हो गया है, नट बोल्ट टाइट होते हैं, कोई खोल भी नहीं सकता, पूरा पैक हो गया और बढ़िया तरीके से लग गया है। ये इसमें आपको कुछ इस तरीके से टेल लाइट देखने को मिलेगी, जो आपको हर मॉडल में ये एक बढ़िया चीज़ है कि बेस मॉडल से ना आपको LED वाली टेल लाइट देखने को मिल जाएगी, तो ये इसमें एक अच्छी चीज़ है। इसका रिफ्लेक्टर का ऑप्शन आता है आप बोलो। उसके बाद मैं थोड़ा सा अंदर की बात करूँ तो अंदर क्या क्या लगा है वो भी दिखाता हूँ। ये देखो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे एम्बिएंट लाइट का रिस्पॉन्स आपको देखने को मिलेगा, अभी दिन है, उसके बाद ये रिस्पॉन्स आपको देखने को मिल रहा है पूरा परफेक्ट तरीके से एम्बिएंट लाइट का। एक बार पीछे भी आपको एम्बिएंट लाइट दिखाता हूँ, ये देखिए अभी बिल्कुल देखो आप, दिन का टाइम है, लगभग अभी शाम के 4:30-4:30 बज रहे हैं लगभग, तब ये एम्बिएंट लाइट का रिस्पॉन्स आप देख रहे हो, और जब रात होगी तब कितना अच्छा रिस्पॉन्स आप देख पाओगे, तो मतलब बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है हर बात की एक बात। इसके बाद अगर मैं और बात करूँ तो सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें काम हुआ है, भैया का सामान रखा है थोड़ा सा, इसको मैं साइड में रख देता हूँ, और सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें काम हुआ है पूरा इंटीरियर, जिसमें हमारे सबसे इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट सीट कवर है, तो वो दिखाता हूँ। सीट कवर की बात करूँ तो ये पूरे के पूरे सीट कवर इसमें लगे हैं परफेक्ट तरीके से, पूरी कुशनिंग आप देख रहे हो, ये देखो कितनी बढ़िया कुशनिंग, कितना परफेक्ट पूरा आया है इसमें सीट कवर जो हमारे हैं, ये देखो कितना ज़्यादा इसको दबा रहा हूँ ना, ये सारा का सारा फोम है जो इसमें लगा है,
देख रहे हो ये प्रॉपर, और ये बकेट फिटिंग हुआ है। ये मैं आपको पहले जानबूझ के रियर साइड दिखा रहा हूँ, और क्योंकि रियर साइड में ना मैक्सिमम टाइम पे रिंकल वगैरह इतनी अच्छी फिटिंग नहीं आती, पर इसमें आप देख रहे हो प्रॉपर पूरी अच्छी इतनी फिटिंग आ रही है, और कहीं से भी ना कोई धागा है ऊपर नीचे कहीं नहीं जा रहा, तो ये परफेक्ट है। छोटी वाली इसमें बर्फी डाली गई है, तो ये एक बढ़िया चीज़ डाली गई है। प्लस नीचे की तरफ अगर दिखाऊँ, नेक्सोन की बैचिंग के साथ वेलकम लाइट लगी है जो व्हाइट कलर में रखा गया है। इसमें आपको तीन चार ऑप्शन मिल जाते हैं, ब्लू कलर का विदाउट लाइट, वो सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। नीचे की तरफ आप देखोगे, नीचे की तरफ आपको ना ये देखो मैट डाले गए हैं जो GFX कंपनी के हैं, और ये परफेक्ट मैच होते हैं, ये मैट होते हैं आपके, ये 5 साल से ज़्यादा आराम से चल जाते हैं। देखो मैं हटा रहा हूँ फिर भी ये नहीं हट रहे, क्योंकि ये कोने टू कोने बैठा हुआ है। ये देखो मैं एक बार इसको फोल्ड करके दिखाता हूँ, ये देखो जैसे मर्जी ऐसे फोल्ड कर लो, इसमें ना कोई दिक्कत नहीं होने वाली। इसके नीचे पूरी 0-0 फिटिंग हुई है, फ्लोरिंग हुई है, आप हर जगह से फ्लोरिंग देख पाओगे, हर जगह ये पूरे मैट हैं। इसके बाद इसके नीचे आप फ्लोरिंग है, वाटरप्रूफ फ्लोरिंग होती है, जहाँ से पानी वानी कोई अंदर नहीं जाए। इसके बाद आगे की तरफ जो हमारे सीट कवर लगे हैं उसकी भी एक बार फिटिंग दिखा देता हूँ। ये देखो साइड में आपको यहाँ पे पूरा पीछे की तरफ मैगजीन होल्डर देखने को मिलेगा, और प्लस इसमें चैन मिल जाएगा, कोई सिलाई नहीं है, कोई धागा नहीं है, चैन मिल जाएगा। धागे में होता है ना कि यहाँ से ना ऐसे निशान आना शुरू हो जाता है, तो दिक्कत होती है थोड़ी थोड़ी, धागा ना खुलने लग जाता है, क्योंकि पूरी बकेट फिटिंग टाइट फिटिंग होती है। तो इसके चक्कर में यहाँ पे ना ये चैन देने का रीज़न ये है कि कोई कभी भी फ्यूचर में कोई दिक्कत नहीं आए। इसके बाद दिखाऊंगा कि कितनी इसकी वारंटी है, प्रोसेस दिखाता हूँ। और एमएल लाइट में छोटी सी चीज़ ज़रूर है, पर मैक्सिमम लोग नहीं करके देते, वो भी दिखाऊंगा। देखो एमएल लाइट का ना ये कोना है, और कोने पे ना ये हल्की सी स्ट्रिप लगती है, इससे एमएल लाइट बाहर नहीं जाए, तो ये बेस्ट चीज़ लगती है जो 99.9% लोग करके ही नहीं देते। तो ये एक आपको ऑडियनिक की खास बात दिखा रहा हूँ, पूरा प्रोफेशनल तरीके से सारा काम होता है। ये साइड से आप देख रहे पूरी एमएल लाइट का पूरा रिस्पॉन्स। अभी भाई कुछ फ्लोरिंग का पार्ट रह गया, वो कंप्लीट कर रहा है नीचे, तो अभी वो भी हो जाएगा, उस साइड से भी आपको दिखाऊंगा। उससे पहले मैं आपको यहाँ से एक बार सीट कवर का रिस्पॉन्स चेक कराता हूँ। ये देखो डबल कॉम्बिनेशन में इसके हेडरेस भी रखे गए हैं, प्लस सीट कवर की ना पूरी कुशनिंग आप देख रहे हो, ये देखो कितना बढ़िया, ये देखो कितना बढ़िया कुशनिंग के साथ हुआ है। ये जो भी बैठेगा ना भाई बिल्कुल शानदार, बिल्कुल ये देखो ये फोमिंग कुछ नहीं है, और बर्फी डिज़ाइन बना हुआ है, कस्टमाइज करके पूरे सीट कवर बनाए हुए हैं, और ये रीज़न तभी हो पाया जब अपनी मैन्युफैक्चरिंग अपनी पूरी यूनिट है उसके चक्कर में। इसके बाद अगेन उसी हिसाब से स्टीयरिंग रैप भी हुआ है पूरा का पूरा, स्टीयरिंग रैप भी अगेन कस्टमाइज करके डबल टोन में पूरा किया गया है, तो ये एक बेस्ट चीज़ लगी है। प्लस सीट कवर तो भाई अपने आप में अल्टीमेट है ही, है ना, कोई तोड़ नहीं है भाई सीट कवर का, क्योंकि अपनी मैन्युफैक्चरिंग है, और आपको पता है मैन्युफैक्चरिंग से बड़ा, मैन्युफैक्चरिंग से ऊपर कोई नहीं होता, है ना, जो रॉ मटेरियल होता है उसमें पूरा सीट कवर अपना तैयार होता है। तो भाई कुछ सोच सकते हो, धागा लेबर मशीन हर चीज़ अपनी है, तो भाई जिस रेट पे हम दे सकते हैं ना उस रेट पे मुझे नहीं लगता ऑल ओवर इंडिया में कोई दे सकता है। बड़ी बड़ी कंपनियों के खर्चे इतने बड़े होते हैं कि वो अपने खर्चे निकालने के लिए बड़े रेट देते हैं, और भाई अपने तो कोई इतने बड़े खर्चे है ही नहीं, तो बेस्ट टू बेस्ट रेट है, बेस्ट टू बेस्ट क्वालिटी 100% दे सकते हैं। तो ये मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, बाकी अगेन यहाँ पे आप देख रहे हो पूरा पैंडल टू पैंडल आप हर चीज़ देख पा रहे हो, यहाँ पे मैट डाले गए हैं, कहीं तरह से कोई दिक्कत नहीं आए इसके चक्कर में सिर्फ। इसके बाद एक चीज़ और अंदर बैठ के दिखा देता हूँ थोड़ा सा मैं आपको, यहाँ पे भैया ने पूरा एंड्रॉयड लगवाया है, और भैया से जानेंगे अभी कहाँ से लगवाया है और कितने का लगवाया है, क्या इसकी क्वालिटी है, कहाँ से लगवाया है सारी चीज़। से पहले मैं एक बार आपको खोल के दिखा भी देता हूँ, ये हमारे पास नहीं लगाया भाई, जो चीज़ लगाया है वो चीज़ ज़रूर दिखाऊंगा, जो चीज़ नहीं लगाया भाई वो चीज़ नहीं दिखाऊंगा। ये है तो बहुत बढ़िया नो डाउट, यहाँ से मैं ऐप ओपन कर लेता हूँ और एक बार इसकी सेटिंग वगैरह हर चीज़ें देख लेते हैं। DSP सेटिंग भी बढ़िया तरीके से एक्टिव है भाई, तो कितने का लगा ये सारी चीज़ भी जान लेंगे। प्लस आपको यहाँ पे एक स्टीयरिंग कंट्रोल का ऑप्शन देते हैं, जिसमें आपको स्टीयरिंग कंट्रोल जिससे आप पूरा भी इसमें कुछ भी नहीं लगा हुआ है, क्योंकि बेस मॉडल है अभी भी नहीं लगवाया भी नहीं है, ऑप्शन आता है स्टीयरिंग कंट्रोल प्लस साथ में क्रूज कंट्रोल का, तो ये दोनों ऑप्शन आपको मिल जाते हैं लगाने के लिए, ठीक है। इसके बाद एम्बिएंट लाइट का पूरा आप यहाँ पे प्रोसेस देख रहे हो। अब चलते हैं थोड़ा सा भैया के पास और जानते हैं कि ये सारा काम कितने में कराया, फिनिशिंग कैसी रही, और सारी क्वालिटी और दिखाया था यहाँ पे जो ORVM है वो हमारे रैप हुए हैं पियानो ब्लैक में, आपको पता है ये मैट में आते हैं, तो ये पूरा 0-0 रैपिंग हुई है इसमें, कहीं से भी कोई आप देख रहे हो ऐसा नहीं लग रहा कि आपने बाहर से कराया, ऐसा लग रहा है कंपनी देती है हर जगह से ना 0-0 फिटिंग के साथ आप हर चीज़ देख पा रहे हो। यहाँ से भी दिखाऊँ यहाँ से पूरा, इसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ज़रूर हुई है इसमें, डैम्पिंग हुई है, तो एक बार उसका भी रिस्पॉन्स चेक कराया था किस तरीके से हुई है। ये देखो ये विदाउट डैम्पिंग इसकी आवाज़ है, और ये डैम्पिंग है, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है आपके डोर में, कभी जंग नहीं लगते, म्यूजिक सिस्टम बहुत अच्छा आता है, रोड नॉइज़ नहीं आती, बहुत फ़र्क पड़ जाता है डैम्पिंग से। इसके बाद कंपनी आपको पिलर ए इसमें ऑलरेडी ब्लैक देती है, छत आपको ब्लैक नहीं देती, तो एक वो आपके पास ऑप्शन होता है कराने का। प्लस इसमें जो DRL देती है ना भाई, ये रियली में बहुत बढ़िया है, उसके हिसाब से पैसे भी लेती है, बेस मॉडल इसका
टाटा पंच से कॉस्टली है, पर उस हिसाब से बढ़िया तरीके से आपको सारी चीज़ देती है। अब एक बार चलते हैं, एक बार म्यूजिक सिस्टम सुनते हैं जो कंपनी ने इसमें लगाया है, और बाकी चीज़ जानते हैं आज के हमारे हेडफोन जी की। हमारा फ्रंट की तरफ डिफ्यूज़र लगाया ना, इसका भी लुक देखो कितना शानदार बढ़िया तरीके से आ रहा है। इसके लिए भाई ये नंबर प्लेट पूरा हटाया पहले, फिर हमने नंबर प्लेट की पूरी दोबारा से इंस्टॉलेशन की है। ये देखो ऑटो विकास से गाड़ी ली गई है, तो प्रॉपर आपको इसमें फ्रेम वगैरह हर चीज़ लिखा हुआ है। प्लस इसमें भी आप देखोगे कोई ऐसी फिटिंग नहीं है, पूरे पेच लगाए गए हैं नीचे से ना, पूरे पेच इसमें टाइट किए गए हैं, जो ये देखो हिलेगा भी नहीं है आपको। ये तो एक बेस्ट चीज़ आपको यहाँ मिल जाता है। इसमें भी आपको दो तीन ऑप्शन मिल जाते हैं, GT लाइन में पूरा ब्लैक वाला मिल जाता है। भैया की गाड़ी का कलर यही था, तो भैया ने वाइट एंड सिल्वर डबल कॉम्बिनेशन में कराया है। बाकी बहुत 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 बढ़िया लग रहा है भाई देखने को। आपके पास दो तीन ऑप्शन मिल जाते हैं, आप दो तीन ऑप्शन में कोई सा भी लगवा सकते हो। तो भाई अपनी नेक्सॉन तो है ही बहुत बढ़िया, इसमें जब भैया ने काम कराया है वो एक चीज़ और अल्टीमेट, इतना बढ़िया हो गया है। तो चलते हैं भाई, अब थोड़ा सा जानते हैं आज के हमारे प्राउड ओनर से कितनी कॉस्ट। आज के अगेन फिर से एक प्राउड ओनर हमारे पास आ गए हैं नेक्सॉन बेस मॉडल के। तो भैया से जानते हैं, भैया पहले तो आप बताइए क्या नाम है आपका। मेरा नाम अभिमन्यु कुमार सिंह है, दिल्ली से ही हैं, पालम से हैं। भैया पहले तो बताइए हमारे बारे में, पता आपको कैसे चला। देखो मेरे दोस्त है जो यहीं पर हमारे पड़ोस में ही है, बैंक में ऑफिसर काम करते हैं, और उनके थ्रू लाइक पता चला मुझे यहाँ लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद भैया की, मतलब पड़ोसी से भी आज भैया आए हैं, इन्होंने कोई YouTube वगैरह पे कुछ नहीं देखा और फिर भी आ जाके हमसे काम कराया है। अच्छा पहले तो भैया ये जानना चाहता हूँ गाड़ी कितनी की पड़ती है। गाड़ी देखो ऑन रोड तो मैं CSG से मैंने लिया था, तो वहाँ के लिए इफेक्टिव नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूँगा मतलब 7-13 के आसपास पड़ेगी। तो 7-13 की ऑन रोड बेस मॉडल नेक्सॉन। ओके बहुत बहुत बढ़िया। उसके बाद शोरूम में कुछ काम कराया था फिर आपके पास लेकर। शोरूम में आपने लगभग कितने का काम कराया था भैया? करीब शोरूम में भी है ना एसेसरी में लगभग 40,000 रुपये के आसपास आपने खर्च किए थे। अच्छा क्या मतलब क्या क्या कराया था 40,000 में? रियर कैमरा, म्यूजिक सिस्टम जो लगी था उसमें, सेंटर लॉकिंग और रियर डोर का जो कंट्रोल। ओके वो सारा काम है, सेंटर लॉकिंग, रियर डोर कंट्रोल, आपका कैमरा, ये सारा काम आपने कर लिया। उसके बाद भैया हमारा जो आपने सारा काम कराया है, सबसे पहले तो प्राइस बताओ कितने प्राइसिंग है? ₹51,000 में पूरी गाड़ी कम्प्लीट। जितना मतलब जितनी चीजें आती हैं सारी चीजें मैं आपको बता भी देता हूँ। सबसे पहले नीचे फ्लोरिंग, फिर मैट, मैट भी कोई लोकल फोकल नहीं भाई, GFX कंपनी के मैट है, 5 साल से ज्यादा की तो गारंटी ले जाओ, ठीक है। उसके बाद आपको पूरे अल्ट्रा मतलब सीट कवर, लाइफ टाइम वारंटी, एम्बियन लाइट, वेलकम लाइट, डोर वाइजर, साइड बिडिंग, हैंडल क्रोम, गेलियो कंपनी का, ऊपर आप देख रहे हो यहाँ पे रूफ रेल, ओरिजिनल डिफ्यूजर, ठीक है। इसके बाद फिर और अगर मैं बात करूँ तो डिक्की मैट, जो डिक्की में मैट डलता है वो, फ्रंट में IPS प्रोजेक्टर हो गए, उसमें आपकी हेलोजन लाइट हो गई। तो सारा काम 51,000 सामने है आपके। अब भैया थोड़ा सा जानेंगे क्वालिटी कैसी रही सारे काम। देखो मैं तो खासकर कहा जाए तो सीट कवर इन सब चीज़ों से काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ। बाकी तो बाहर कॉस्मेटिक चीज़ें हैं जो सभी लोग जो हैं सभी लगाते हैं, देखिए मेरा भी बिल्कुल यही कहना था, सीट कवर और काफ़ी सेटिस्फाइंग है। पहले तो ये बताइए सीट कवर आपके सामने रेडी थे क्या? नहीं नहीं रेडी नहीं थे, मैं बनवा के। आपने खुद बोला था मुझे ऐसे ऐसे कुछ डिज़ाइन ऐसा कुछ करके दिया, तो पूरा आपका सामने बन के पूरा लगा है सारी चीज़ें, और सारा सामने ही बना और सामने ही लगा है, सही कह रहा हूँ भैया? और कितनी वारंटी दी गई है सीट पर की? लाइफ टाइम ऑन वीडियो है, यूट्यूब पे भी जो लोग भी देख रहे हो ना, तो ऐसा नहीं है कि भाई कुछ भी चीज़ बोल के दे रहे हैं, सामने हर चीज़ है, लाइफ टाइम वारंटी है। कभी भी कोई भी दिक्कत आती है सीधा रिप्लेस होगा, रिपेयर नहीं है, रिप्लेस करके देंगे। और भैया ये चीज़ हम तभी दे पा रहे हैं, आप हर किसी को सिर्फ इतना बोलूँगा, अपनी मैन्युफैक्चरिंग, अपना पूरा का पूरा यूनिट है इसी चक्कर में। वैसे सीट कवर बहुत जल्दी इसके रेडी हो गए थे, थोड़ा सा बाकी टाइम में काम लगा था, सिर्फ 2.5 से 3 घंटे में कोई सी भी गाड़ी में आप आओ सीट कवर आप कस्टमाइज करके अपने हिसाब से बनवा के लगा। तो ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, पूरी गाड़ी से भी सेटिस्फाई है, कोई ऐसा नोक जो कुछ ऐसा रह गया हमारी तरफ से। एक तो बिहेवियर वाइज भी काफ़ी भैया अच्छे हैं, तो ये
बाकी प्राइसिंग से सेटिस्फाई हैं आप, जो लोग आपकी वीडियो देख रहे हैं रिकमेंड कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल 100% बिल्कुल आइए इनके साथ। और 10 में से अगर रैंकिंग की बात करें तो कितनी दिया? मैं तो आपको 10 out of 10 ही दूंगा। सीट कवर के लिए? सीट कवर के लिए तो फुल मार्क्स 10 out of 11 या 10 out of 9? 11 बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। देखो ऑटो यूनिक ने स्पेशली इस चीज पे काम करता है कि एक कस्टमर सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हर चीज से, सिर्फ एक क्वालिटी या काम से नहीं, हर चीज से। काम तो ओवरऑल है ही अच्छा, प्राइसिंग क्वालिटी हर एक चीज। अगर हर चीज आज मैं अच्छा दूंगा ना तो अगली बार आपको वीडियो देख के आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार बस वीडियो देख के आ जाओ, अगली बार मुझे पता है अपने आप आओगे। और सिर्फ उसी लिए मैं काम ही कर रहा हूँ कि आप आओ और नेक्स्ट टाइम 4 लोगों को आप खुद रिकमेंड करोगे। मैं आपसे भले ही आज कुछ नहीं कमा रहा, ज्यादा मार्जिन पे काम नहीं कर रहा हूँ, पर जब आप लोगों को रिकमेंड करोगे ना तो वो 4 लोगों से थोड़े थोड़े मार्जिन में अपने आप मेरा कोटा फुल हो जाएगा। एक बंदे से 100 रुपए नहीं कमाना, 100 लोगों से 1-1 रुपए कमा लो, बात बराबर। तो सेटिस्फिकेशन से सारा काम प्रोफेशनल तरीके सारा काम करके दे रहा हूँ। पूरी वीडियो दिखाई है मैंने, और अगर ऐसी मैक्सिमम और बहुत सारी वीडियो देखनी है स्पेशली न्यू बलिनो टाटा पंच XUV700 की, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो एक बार लाइक का बटन जरूर दबा के जाना। कुछ भी चीज जो अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है एक बार कमेंट में जरूर बताना, जिससे अपने आप को हम और थोड़ा सा और बड़ा कर सके, अपने आप को ठीक कर सके, तो जरूर बताना कमेंट में। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, और मैक्सिमम लोगों तक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।